सो हे गाइस, स्वागत आपका एक और फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे भी HEG लिमिटेड को लेकर। HEG लिमिटेड आपको पता होगा भी जो कंपनी है वो जो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स है उसके मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्ट में लगी हुई है, ठीक है, और इंडिया की लार्जेस्ट कंपनी है। उसके बाद आप लोग देखोगे ये जो ना अभी हाइड्रो पावर और जो थर्मल पावर है उसके भी अंदर भी लगी हुई है, लगभग 76 मेगावाट के आसपास किसकी टोटल कैपेसिटी भी है। तो ये टोटल अपडेट्स है। और आज आप लोग देखोगे भी ये प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में तो आप लोग देखोगे 3.5% के करीब तेजी दिखाई इसने, कल स्टॉक में तेजी थी जबकि मार्केट नीचे गया भाई, मार्केट में गिरावट थी स्टॉक में तेजी थी। तो आज आप लोग देखोगे ये जो शेयर है इसकी जो प्रीवियस क्लोजिंग थी लगभग 2570 रुपये, ठीक है, 2570 रुपये के भाव वाला शेयर आया हुआ 514 रुपये के भाव में। जी हाँ, 514 रुपये के भाव में आया हुआ 2570 रुपये के भाव वाला शेयर। आखिरकार क्यों ये जो शेयर है जो अभी लगभग 80% टूटते हुए नजर आया अपने बाउंड वीक हाई से, तो इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे। और आगे किस प्रकार से क्या लेवल वगैरह बन सकते हैं, क्या शॉर्ट टर्म में मौके हैं, लॉन्ग टर्म में मौके हैं, क्या करना चाहिए हमें, वो सब कुछ आपको डिटेल में बताएंगे। तो सबसे पहले देखोगे एक स्मॉल कैप कंपनी है भाई, और यहाँ पर जो ना अभी गिरावट के पीछे का जो रीजन है वो है 18 तारीख को हुई अनाउंसमेंट। जी 18 तारीख के दिन जो ना अभी कंपनी की रिकॉर्ड डेट है किसकी, स्टॉक स्प्लिट की, जो कंपनी है वो स्टॉक स्प्लिट देने जा रही है, आपको स्प्लिट देने जा रही है लगभग 10:2 में, ठीक है, 10:2 में। अगर आपके पास कंपनी के 2 शेयर हैं, इसका मतलब क्या होगा, अगर 2 शेयर तो 10 शेयरों में डिवाइड हो जाएंगे, अगर 1 शेयर आपने पहले खरीदा हुआ है तो उसके जो ना भी 5 शेयर बन जाएंगे। तो ये टोटल अपडेट्स अभी 1 के 5 हो जाएंगे और 2 के 10 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जो ना अभी डिवाइड किया गया है, ये प्राइस का एडजस्टमेंट है, बिकॉज आप लोग देखोगे भी 1 शेयर के जो ना अभी 5 टुकड़े कर दिए गए हैं। इससे क्या होता है, कंपनी के शेयरों की संख्या जो बढ़ जाती है, पहले मान के चले अगर 1 लाख शेयर हैं तो अब कितने हो जाएंगे, 5 लाख हो जाएंगे 1 लाख के, इससे यार लिक्विडिटी बढ़ती है भाई। तो ये मैन इसका जो ना अभी पर्पज है स्प्लिट का, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग देखोगे 1 के 5 हो रहे हैं ना, तो आप लोगों को पता होगा भी 1 शेयर तो आपके पास है जो आपने खरीदा हुआ है, लेकिन इसके अलावा 4 शेयर और आपको मिलने हैं भाई, ठीक है, ये तो है ही है एक तो, लेकिन इसके अलावा 4 शेयर और आपके आने हैं जिनकी जगह पर आपको ये 80% का लॉस दिखाई दे रहा है भाई, और ये 20% का जो ना भी 1 शेयर में कवर हो रहा है जो आपके पास पहले था। तो इसीलिए आप लोग देखोगे ये टोटल 5 शेयर बन जाते हैं, 4 ये और 1 ये 5, और टोटल बनकर हो जाती है 100%, यानी कि 100% अगर होंगे तो 4 शेयरों का जो ना 80% आपको लॉस दिखाई दे रहा है। तो इसको लेकर पैनिक नहीं होना, ये प्राइस का एडजस्टमेंट है ओनली, ठीक है। तो चलिए अब आपको दिखाते भी आगे कैसे क्या माहौल इसमें बन सकते हैं। हाल फिलहाल 1984 करोड़ के आसपास की आपको मार्केट कैप इसकी दिखाई दे रही होगी भाई, ये स्प्लिट के बाद आप लोग देखोगे नीचे आई है, ठीक है, तो स्प्लिट के कारण आप लोग देखोगे ये भी नीचे आई है। आई थिंक इसकी जो मार्केट कैप है वो 10,000 करोड़ के आसपास होनी चाहिए भाई। तो यहाँ से आप लोग देखोगे और जो इसका पीई रेशो है 10 के आसपास है, बहुत अच्छे वैल्यूएशन पर स्टॉक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। RSI इसका 66 पर है और MFI इसका हाई है अभी 75 के ऊपर में है। इसके अलावा देखोगे बाउंड भी खाई के ऊपर ही खड़ा है अभी शेयर, ये 548 रुपये के आसपास का हाई है और 514 रुपये के भाव में खड़ा हुआ है। तो यहाँ से अगर स्टॉक एक अच्छा खासा डीप ले लेता है तो मौका रहेगा अभी, और यहाँ से अगर आप एक लॉन्ग टर्म निवेशक हो, 1 साल 2 साल 3 साल के लिए लगा रहे हो तो इसके लिए आप लोग ट्राई कर सकते हो, बट शॉर्ट टर्म वाले वो रिजल्ट्स वगैरह के ऊपर ध्यान रखिए भी, आगे रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं वो सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। इसके अलावा कुछ पूछना तो कमेंट में पूछ सकते हो, और ये जो स्प्लिट शेयर है भाई कब और कैसे मिलेंगे ये आपके डाउट्स हैं तो आप लोग देखोगे 1 से 2 वीक में ऑटोमेटिक जो कंपनी है वो आपके क्रेडिट कर देगी अकाउंट्स में, तो जो डीमैट अकाउंट है उसके अंदर, आपको इसको लेकर परेशान नहीं होना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।